एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे होता है वो देखा था। और जैसे ही हमें मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखता है। सो एसी एम्पलीट्यूड को हमने कॉमन लिया है और हमारे पास मिल जाता है एम बाय एसी साइन ओमेगा एम टी, राइट, साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ये हमारा कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो अब ये जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज एम बाय ए सी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, या फिर इसको डायरेक्टली एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बोला जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें क्या बताता है कि रेशियो जो है मॉड्यूलेटेड मतलब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड और कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो जो कि हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर से ज्यादा हो गया तो मैसेज जिसको हमने बिठाया है कैरियर पे वो क्या हो जाएगा, वो कैरियर से बाहर निकलेगा और वहां पर डिस्टॉर्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो देयरफॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमेशा से कैसा होगा, इज द रेशियो ऑफ दैट इज एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और इसको बोला गया है चेंज इन एम्पलीट्यूड, चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल कैरियर। अब आप बोले कि चेंज इन कैरियर क्यों, यहां पे तो एम्पलीट्यूड का दिया हुआ है। तो ये चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इसीलिए क्योंकि जो भी एम्पलीट्यूड आएगा किसका, न्यू ओरिजिनल सिग्नल का। ठीक है, अब उसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना हम कि जहां पर मिनिमम है यहां पर मैक्सिमम है, ये किस वजह से आ रहा है, तो यहां हम बोल रहे हैं चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल कैरियर वेव कर देता हूं मैं यहां पे, ओरिजिनल कैरियर वेव। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो मत होना कि कैरियर वेव मतलब जो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव लिया है उसमें भी तो वो तो कैरियर की एम्पलीट्यूड होना चाहिए था, लेकिन उसमें एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है ड्यू टू मैसेज सिग्नल, तो पहला न्यूमरेटर में वो आया, पर एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल कैरियर वेव तो हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा। तो आपको ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स का किसी फैक्टर के साथ एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल विथ सम फैक्टर विल चेंज एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल कैरियर वेव डिनोमिनेटर में रह गए, तो इसको और दूसरे नामों से जाना जाता है। अरे दिख नहीं रहा है क्या? तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को मॉड्यूलेशन फैक्टर और डिग्री ऑफ मॉड्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम लिख सकते हैं के एम, के टाइम्स एम, दैट इज जो फैक्टर है जिस वजह से देर विल बी चेंज इन मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव अपॉन ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, तो व्हेन के बिकम्स 1 या के की वैल्यू 1 होता है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड, के मैक्सिमम माइनस के मिनिमम मतलब चेंज इन एम्पलीट्यूड अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ऑफ
कैरियर सिग्नल क्या होगा, ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। अब ऐसा क्यों बोला गया है, ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम? देखो जस्ट मॉड्यूलेटेड वेव, जब ना सिग्नल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे मैसेज सिग्नल है ठीक, दिस इज एम टी मैसेज सिग्नल, विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और एक कैरियर सिग्नल है सपोज विथ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस इज कैरियर सिग्नल। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं और कुछ हमें ऐसा सिग्नल मिलता है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो इसका एनवलप बन रहा है, दिस इज लाइक दिस। मतलब एनवलप अगर मैं बनाऊं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स मैंने लास्ट वीडियो में दिखाए थे कि कहीं बहुत मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, कहीं बहुत मिनिमम सिग्नल मिल रहा है। सो दिस रेंज इज ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और यहां पर जो मिल रहा है दिस पार्ट दिस पोर्शन, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन है, दिख रहा है क्या आपको, मिनिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मॉड्यूलेटेड वेव, ये मॉड्यूलेटेड वेव के बारे में बात चल रही है हमारी, ठीक है। तो अगर वेव ऐसे आ रही है आपकी, तो ये वाला जो पोर्शन है वो मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला हो जाएगा, और दिस तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आप इस रिलेशन को याद रख सकते हो, सो दैट आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आएंगे आपको, ठीक। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक है। तो ये वाला जो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ए मैक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और ये एंड टू एंड अगर हम देखें यहां पर मिनिमम एम्पलीट्यूड है, यहां पर हम इसको हाफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स सपोज अपने पास एक क्वेश्चन है कि वी हैव एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटेड वेव, जिसमें मैक्सिमम पीक टू पीक, मैक्स पीक टू पीक वोल्टेज दिया हुआ है, ट्वेंटी फोर मिली वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, देखो एग्जाम्पल कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है और मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्ट, और मिनिमम पीक टू पीक वोल्टेज दिया हुआ है 8 मिली वोल्ट, ठीक है। तो आपको बोला है कि फाइंड द मॉड्यूलेशन फैक्टर, फाइंड मॉड्यूलेशन फैक्टर, ठीक है। मॉड्यूलेशन फैक्टर हमें पता ही है क्या होता है, तो मॉड्यूलेशन फैक्टर एम इज नथिंग बट मैक्सिमम पीक वोल्टेज माइनस मिनिमम अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिनिमम, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करें वैल्यू। अब पीक टू पीक बोला है, मतलब यहां से यहां तक अगर 24 है तो उसका हाफ वैल्यू ले सकते हैं ना हम लोग, मतलब ऊपर वाला पीक सिर्फ इतना वाला, तो इतना वाला कितना हो जाएगा, ये लेंगे, और यहां पर भी इसका हाफ ले लेंगे, तो यहां पर अगर इसका पीक टू पीक तो कितना हो जाएगा, वी मैक्स फॉर वन साइड कितना हो जाएगा, 12 मिली वोल्ट, और यहां पर कितना हो जाएगा, 4 मिली वोल्ट। समझ रहा है ना आपको कि ये पीक टू पीक बोला है, तो सिर्फ अपर पोर्शन अगर हमने लिया तो 24 का 12 हो जाएगा, और यहां पर जो हमारा मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला था पीक टू पीक मिनिमम एम्पलीट्यूड हमारा 8 मिली वोल्ट था, तो यहां पर भी आधा कर देंगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये चीज आप कर सकते हैं, तो यहां पर वैल्यूज पुट करो और आंसर लेके आओ, कितना आ जाएगा, 12 माइनस 4
अपॉन 12 प्लस 4, ठीक, तो कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स 8 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 का परसेंटेज निकालने बोला है कि कितना परसेंटेज मॉड्यूलेशन है, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, ऑप्शंस में लिख देता हूं आप आंसर ले लेना। 10%, सेकंड ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन 10% था, सेकंड ऑप्शन है 20%, 25% एंड फोर्थ ऑप्शन इज 50%। ये आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर और एक सवाल पूछा जाता है कि बस आपके पास एक कैरियर वेव है, पर वो बहुत सारी साइन वेव्स उसके ऊपर ओवरलैप हो गई, या फिर आकर उसने कैरियर का काम किया उसके लिए, साइन वेव्स के लिए, तो बहुत सारी साइन वेव्स होंगी, हर साइन वेव का अपना कुछ, जैसे मैसेज सिग्नल उसके ऊपर कैरियर के ऊपर आकर बैठ गया, मतलब एक गाड़ी है उसके, इस गाड़ी के अंदर कितने भी पैसेंजर बैठ सकते हैं, वैसे ही एक कैरियर के ऊपर मैसेज सिग्नल्स बैठ सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मैसेज सिग्नल है, तो इन सब का अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकाला है हमें, तो वी कैन फाइंड आउट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स बाय दिस रिलेशन की अंडर रूट ऑफ 1 मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने भी मॉड्यूलेशन इंडेक्स आएंगे इंडिविजुअल वेव्स के लिए उन सबका स्क्वायर हम करके ऐड कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। इसके ऊपर भी सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं इसी प्रॉब्लम पे, ये फाइनल इक्वेशन था मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, जहां पर कैरियर का एम्पलीट्यूड, कैरियर का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फिर यहां पर हमें लोअर साइड बैंड मिला और यहां पर हमें अपर साइड बैंड मिला, ठीक है। साइड बैंड्स तो मिले हैं, लेकिन वहां पर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दम पे मिला है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि वी हैव गॉट एक अपर साइड बैंड है हमारे पास, अपर साइड बैंड है हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस मॉड्यूलेशन मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड बैंड है हमारा एक कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमें बैंडविड्थ निकालनी है, तो बैंडविड्थ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड करते हैं, तो यहां पे हमें बैंडविड्थ मिल जाता है, तो यहां पर बैंडविड्थ कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 2fm मिलेगा, ये कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम बैंडविड्थ या फिर साइड बैंड्स की बात करते हैं, तो साइड बैंड मतलब जो साइड में होता है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने जैसा निकाला था एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, ऐसा ही आप यहाँ पर रिलेशन निकाल सकते हो कि यहाँ पर अपना एम्पलीट्यूड है, तो ये साइड बैंड हो गए दो, ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और ये लोअर साइड बैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिस इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर अपर साइड बैंड और ये हो जाएगा लोअर साइड बैंड माइनस में, ठीक है। तो आइए आप लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ की बैंडविड्थ फ्रॉम हायर मतलब अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बच्चों वाली बात है, लेकिन इस पर भी हम लोग कभी कभी गलती कर देते हैं, इसलिए फिर से एक बार बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बैंडविड्थ का आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स, अब पावर इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स, जैसे इसमें ओरिजिनल सिग्नल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आप देखो कि पावर क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि पावर डिसिपेटेड, मतलब ये इस वेव को ट्रैवल करने के लिए या किसी भी सर्किट को ट्रैवल या फिर पावर जो यूटिलाइज करता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है। सपोज मैं अगर किसी भी वेव को निकालता हूं यहाँ पे, तो जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना, जैसे साउंड सिग्नल है,
तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उनको हम बोलते हैं लाउड है, और अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड कम होगा तो हम मतलब वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप घर पे स्पीकर बजा रहे हो तो आप क्या करते हो, एम्पलीट्यूड उसका वोल्टेज उसको बढ़ा देते हो, तो क्या वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अगर आपने वॉल्यूम कम कर रहा है तो उसका क्या करते हो, एम्पलीट्यूड कम कर देते हो, मतलब कम वोल्टेज सप्लाई दोगे उसको तो ये सॉफ्ट साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के ऊपर पावर डिसिपेटेड डिपेंडेंट होता है, ये बात तो आपको है ना पता ही है। तो अगर मैं पावर डिसिपेशन की बात करूं तो पावर डिसिपेशन इन एनी सर्किट इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, सिंपल ओम्स लॉ से आता है ये, और पावर वी इंटू आर। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड लेवल तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर हम लोग जो वैल्यू लेते हैं वोल्टेज की वो होती है आरएमएस वैल्यू, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या होती है वो, रूट मीन स्क्वायर। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों लेते हैं, क्या लेते हैं, ये आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अच्छी तरह से सीखते हो, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा आप, पर ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी वोल्टेज की वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं पावर डिसिपेशन निकालू फ्रॉम दिस ला, तो अभी यहां पर क्या है, कैरियर में एम्पलीट्यूड इज वही है वोल्टेज एम्पलीट्यूड, तो इट कैन बी रिप्लेस बाय, तो कैरियर का निकालना है, और ये यहां पर हमारे पास दो साइड बैंड है, दो साइड बैंड है उनका भी एम्पलीट्यूड हमको दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सीधा सीधा यहां पर वैल्यू निकाल सकते हैं कि पावर ऑफ कैरियर, कैरियर वेव क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो कि पावर ऑफ कैरियर इज नथिंग बट वी आर एम एस। वी आर एम एस मतलब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल वोल्टेज है उसका रूट टू लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड अपॉन रूट टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, समझ में आया कि हमने वी आर एम एस वैल्यू ली है, तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज मतलब यहां पर जो एम्पलीट्यूड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज कैरियर का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रूट टू आर का होल स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, आप लिख लो यहाँ पे, सो दिस कम्स आउट टू बी ए सी का होल स्क्वायर बाय टू आर, तो ये क्या हो जाएगा अपना पावर ऑफ कैरियर। पावर ऑफ कैरियर आप डायरेक्टली निकाल सकते। ठीक है, तो वैसे ही आप साइड बैंड्स का निकाल सकते हो, क्योंकि साइड बैंड्स के दोनों के एम्पलीट्यूड सेम ही है। ठीक है, तो साइड बैंड का पावर निकाल सकते हो आप। ठीक है ना, तो साइड बैंड का पावर निकालो, सेम फॉर्मूला यूज करना है आपको रूट। तो साइड बैंड में वी आर एम एस का क्या होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है साइड बैंड्स का उसको डिवाइडेड बाय रूट टू करो और इसमें आर एम एस वैल्यू डाल दो, तो आपका आंसर आ जाएगा कि मैं करके दूं। चलो ट्राई करते हैं, पावर ऑफ दिस ये मिटा देता हूं, ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं पावर ऑफ साइड बैंड्स। पावर ऑफ साइड बैंड क्या होगा, पावर ऑफ साइड बैंड्स इज इक्वल टू वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर, ये तो हमको बात पता है। तो वी आर एम एस इसमें क्या होगा, म्यू ए सी बाय टू है ना, बाय रूट टू, ये उसका एम्पलीट्यूड है आर एम एस डिवाइडेड बाय आर और उसका स्क्वायर है। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, म्यू ए सी बाय टू का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4 है ना, हो जाएगा 4 into 2 आर, सही है, तो ये उसके हो जाएंगे स्क्वायर। तो पावर ऑफ अ साइड बैंड कुछ बुक्स में अलग दिया हुआ है, लेकिन हम जो इसको रेफरेंस मान के पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग जाते हैं कि पावर ऑफ साइड बैंड्स
नथिंग बट, क्योंकि हमारे पास दो साइड बैंड्स है, तो दिस बिकम्स टू वी आर एम एस, उसका स्क्वायर अपॉन क्या था आर, वी स्क्वायर बाहर होता है पावर, है ना, वी इंटू आई भी लिख सकते हैं या आई स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं, है ना, तो ये हमें बात पता है, तो कितना हो जाएगा वी, तो यहां पर हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, म्यू ए सी बाई टू, है ना, स्क्वायर, या लिख सकते हैं हम लोग टू रूट टू, राइट, क्योंकि आर एम एस वैल्यू लेना है तो रूट टू लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय आर, तो इसको हम अगर प्रॉपरली कैलकुलेट करें तो कितना आएगा वैल्यू, तो ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर, दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन फोर इंटू टू आर, आर ये सब डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये टू यहाँ पे न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है, तो इस टू ने इस टू को मार दिया, तो हमारे पास इक्वेशन है म्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर बाय फोर आर, ठीक है, सबको दिख रहा है, सो ये हमारा है पावर ऑफ साइड बैंड, तो इसको आप नोट कर लो। अब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे बिटवीन पावर ऑफ कैरियर, मतलब कैरियर पावर और पावर ऑफ साइड बैंड्स के बीच में, इससे हम पहले टोटल पावर निकाल लेंगे, ठीक। तो चलो इसका आपको, इससे हमने जो लिया है ये आपको समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो टोटल पावर कैसे आएगा, टोटल पावर ऑफ स्पेसिफिकली लिखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है, तो पावर पी टी इज इक्वल टू पावर ऑफ कैरियर प्लस पावर ऑफ साइड बैंड, तो यहाँ पे हमारे पास आया पावर ऑफ कैरियर क्या था, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कैरियर का डिवाइड बाय टू आर प्लस मॉड्यूलेशन मतलब म्यू या एम बी लिख सकते हैं स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर बाय फोर आर, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, टू आर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय, ठीक है, म्यू स्क्वायर बाय टू, दिस इज द टोटल पावर। ये अपना हो जाएगा टोटल पावर, ठीक है, तो अब इतना लिख लो, अब हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां पे दो रिलेशन हमेशा पूछे जाते हैं, पावर का रेशियो डिवाइडेड बाय कैरियर पावर का रेशियो, टोटल पावर का रेशियो डिवाइड बाय कैरियर पावर का रेशियो, तो टोटल पावर कितना है हमारा, ए सी स्क्वायर बाय टू आर वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय टू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इसका पावर कितना था, ए सी स्क्वायर बाय टू आर, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय टू, ये हो जाएगा आपका इन दोनों का रेशो। फिर आपको टोटल पावर डिवाइडेड बाय ये भी पूछा जाता है, तो टोटल पावर इज ए सी स्क्वायर बाय टू आर वन प्लस म्यू स्क्वायर दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स स्क्वायर बाय टू डिवाइडेड बाय साइड बैंड का स्क्वायर, साइड बैंड का पावर, साइड बैंड का पावर क्या है, ये था कितना था, ए सी स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय फोर आर था ना, ठीक है, तो ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर कैंसिल, आर और आर गया, तो यहाँ पे बचा टू, ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ बचता है वन प्लस म्यू स्क्वायर दैट इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स स्क्वायर बाय टू डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर बाय टू, से टू को ख़त्म कर देंगे, ये टू और ये टू, टू बचेगा नीचे टू,
ऐसा कुछ रिलेशन आपको मिलेगा। इसको और ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये आपको बस रिलेशनशिप बता रहा हूँ उनके बीच में, और बहुत सारे इसमें आप चेंजेस लेके आ सकते हैं। जैसे और एक कुछ कर सकते हैं इसमें, ये लिख लिया ना आपने, इसमें आप ये लिख सकते हो कि जैसे करंट के रिलेशन में, तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ऐसा होता है। देखो ओम्स लॉ से आप तीन रिलेशन बना सकते हो, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, आपको पता ही होगा, फिर मैं बता रहा हूँ। ओम्स लॉ यहाँ पे वी की वैल्यू डाल दो, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, या पी इज इक्वल टू आई की जगह पे और लिख सकते हो वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर। ये तीन रिलेशन में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने आज तक बहुत बार यूज किया होंगे, तो इसको सिंप्लीफाइड तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पावर ऑफ मतलब टोटल पावर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, टोटल करंट, टोटल करंट मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होता है उसके लिए हम लोग टोटल वर्ड यूज कर रहे हैं कि मॉड्यूलेटेड करंट, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अगर हमको कैरियर के लिए लिखना है, तो कैरियर का करंट के फॉर्म में अगर लिखना है, तो आई सी स्क्वायर आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये मॉड्यूलेटेड वेव है, फाइनल मॉड्यूलेटेड वेव, और इसको हम बोलते हैं अनमॉड्यूलेटेड, जो कि कैरियर का करंट होगा। सिंपल है, अनमॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेटेड। तो यहाँ पर अगर हम दोनों का रेशो ले, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं रेशो कर देता हूँ पी टी बाई पी सी, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आर आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा, मैं आई टी बाई आई सी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर टोटल पावर बाय कैरियर पावर, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकाल दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। पी टी बाई पी सी का हमको रेशो पता ही है, क्या था रेशो, तो ये आप लिख सकते हैं 1 प्लस μ² / 2 का अंडर। तो आपको कभी भी ऐसा भी पूछा जाता है, दस रिलेशन बिटवीन या फाइंड द रेशियो ऑफ अनमॉड्यूलेटेड या मॉड्यूलेटेड करंट डिवाइडेड बाय अनमॉड्यूलेटेड करंट, सो ऐसे सारे इक्वेशंस आते हैं, ठीक है, आए हैं प्रीवियस कुछ एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया, ठीक है। तो अब इसको लिखो, लिमिटेशंस ये है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होता है, इस वजह से नॉइज नॉइजी हो जाता है सिग्नल, क्योंकि ससेप्टिबल टू मतलब चेंजिंग वोल्टेज के वजह से क्या होगा, थोड़ा सा दूसरे फैक्टर्स मतलब दूसरे कुछ सिग्नल्स इसको अफेक्ट कर जाएंगे, थोड़ी सी इफिशियंसी लो है इसकी, लो इफिशियंसी है। इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट चैनल चलाता है, जो बच्चे मुंबई में या पुणे में या फिर नागपुर में गए होंगे, वहां पे बड़े बड़े सिग्नल चलते हैं, मतलब रेडियो चैनल्स चलते हैं, तो रेडियो चैनल्स जो चलते हैं, एफएम रेडियो, एफएम रेडियोस कौन से, मैंने बताया था कि रेडियो मिर्ची हो गया 93.8, 92.7, या बिग एफएम, ऐसे सारे रेडियो चैनल्स जब चलते हैं, तो ये एफएम रेडियोस है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड नॉइज ही नहीं होता। वही आप अगर विविध भारती या फिर आच्य प्रसारण ऐसे वगैरह कुछ बोलने वाले जो गवर्नमेंट वाले आकाशवाणी वाले चैनल होते हैं, वो थोड़े से नॉइजी होते हैं, बहुत ज्यादा साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आती है वहां, ठीक है। फिर तीसरा प्रॉब्लम है कि स्मॉल ऑपरेटिंग रेंज होता है इनका, जैसे हर जगह पर आपने देखा होगा कि हर सिटी में एक आकाशवाणी केंद्र है, ठीक है, तो वो मोस्टली एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड नहीं हो पाते, क्योंकि अभी नए टेक्निक यूज करनी है हमें, तो लो एफिशिएंसी नॉइजी है और ऑडियो क्वालिटी भी पुअर है, तो पुअर ऑडियो क्वालिटी। तो इन सबको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आता है, जैसे ये भी जो भी लिमिटेशंस है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि
आपका एम्पलीट्यूड हमेशा सेम होगा, कहीं फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो कहीं फ्रीक्वेंसी कम होगी, लेकिन एम्पलीट्यूड जो सिग्नल का वोल्टेज है वो कभी चेंज नहीं होता, ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो इस वजह से आपको हमेशा कांस्टेंट पावर मिलेगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड में। जैसे हमने देखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा था, कहीं ज्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, कहीं बहुत कम एम्पलीट्यूड होता था, तो उस वजह से पावर चेंज हो रहा था, पावर कांस्टेंट नहीं मिल रहा था, लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपको पावर कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। तो जो भी लिमिटेशंस है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर था आपका जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, और जितना हमने किया है उतना सफिशियंट है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, और आपको जो मैं सेंड करूंगा अभी पीडीएफ और डीपीपीस, उसको आप प्लीज एक बार सॉल्व कर ले। थैंक यू।